30 मार्च को खत्म हो चुके सुंदरनगर के राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले में देवता मेले के दौरान जौहर पार्क के मेला मैदान में जो हाट बाजार दुकानें और स्टॉल लगे थे वो अभी तक लगे होने पर सुंदरनगर के व्यापार मंडल ने कड़ा एतराज जताते हुए नगर परिषद सुंदरनगर के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा से भेंट कर उनको ज्ञापन दिया। व्यापार मंडल सुंदरनगर के प्रधान प्रवीण अग्रवाल के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि जवाहर पार्क मैदान में लगे इस हाट बाजार दुकानों और स्टॉलों से सुंदरनगर के बाजारों में दुकानदारों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा मेले के खत्म होने के साथ ये हाट बाजार दुकानें और स्टॉल भी उठ जाने चाहिए, मगर मेले खत्म हुए करीब एक महीना हो चुका है, ये हाट बाजार दुकानें और स्टॉल अभी तक लगे हुए हैं जिससे बाजारों में व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जवाहर पार्क में हाट बाजार दुकानें और स्टॉल को तुरंत हटाने की मांग की है। आज सुंदरनगर व्यापार मंडल द्वारा एक ज्ञापन नगर परिषद के अध्यक्ष श्री जितेंद्र शर्मा जी को दिया गया, जिसमें जो मेला ग्राउंड में दुकानें 22 मार्च को अलॉट हुई थी, इन्होंने हमारे से जो मुखजवानी वादा किया था वो 20 अप्रैल तक किया था, तो हमने इनसे आग्रह किया था कि इसको जल्दी उठाया, जिससे हमारे जो व्यापारी हैं जो दुकानें करते हैं उनको काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, जो GST भी पूरा पे कर रहे हैं, दुकानों के किराए भी देने हैं, गोडाउन भी रखे हुए हैं और सेल्समैन भी हैं, तो वहाँ पे बाजार में इतना मंदा चला हुआ है, ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, सारा जो मेला ग्राउंड में ग्राहक रुक जा रहा है, उसके प्रति हमने ज्ञापन दिया और अध्यक्ष ने हमारे से प्रॉमिस किया कि इसको जल्दी ही हम इसको खाली करवाएंगे, आज ही अलॉसमेंट करेंगे और संडे तक हो सकता है कि इसको संडे 30 अप्रैल तक इसको हम खाली करवा दें। बाकी व्यापार मंडल मेला के प्रति जो हमने ज्ञापन दिया वो 30 अप्रैल तक नहीं उठती है तो जो मेन ग्राउंड को जाने का रास्ता है उस गेट के आगे हम व्यापारी लोग धरना देंगे जिससे कि ग्राहक ग्राउंड में ना जा पाए।